भाइयों कोर्ट की फैसला है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था पता है, ये चल चलते अपना गाड़ी जैसे स्टार्ट कर रहे थे ना, तो वैसे जो इंजन का लाइट है इस्तेमाल फंक्शन का लाइट ब्लिंक कर रहा था और गाड़ी का आरपीएम 300 पर जा नहीं रहा था। तो हमने इसे स्कैन किया, स्कैन में तो कुछ बताया नहीं, लो प्लग से रिलेटेड था। पर हमें वो ठीक से देखा तो हमने पहले रिले चेक किया, उसको 5 पॉइंट वाला रिले होता है, उसमें एक छोटा पॉइंट होता है वो जो ECM को सिग्नल देता है कि आपने का ये क्या बोलते हैं जो हीटर प्लग है वो सही काम कर रहा है। ये गाड़ी में क्या हो रहा था पता है, जो हीटर प्लग सब उड़ गए थे तो उसकी वजह से वो चेक लाइट ब्लिंक रहा था, गाड़ी फुल रेस में होती, उसकी वजह से पिकअप का इशू आ रहा था। तो हमने इसे क्या क्या टेस्टिंग बल्ब से चेक करके देखा, हीटर प्लग की वायर को मेन करंट दे के बैटरी को आर दे के चेक किया तो गाड़ी का चेक लाइट चले गया। कभी भी अगर फोर्ड की फेस्टा में ऐसा अगर प्रॉब्लम आए ना एक बार तो हीटर प्लग चेक कर लिए, क्योंकि हीटर प्लग से ये गाड़ी की रेस नहीं होती और पिकअप का इशू आता है। ओके थैंक यू भाई। एक बार ये 5 पॉइंट वाला रिले आता है, जो छोटा पॉइंट है वो ECM को सिग्नल देता है कि आपना हीटर प्लग कम बंद है चालू। ये रिले खराब होने पे भी गाड़ी पिकअप छोड़ देती है।